नमस्कार दोस्तों, का बहुत स्वागत है आपके अपने डॉक्टर शुभ शास्त्र के चैनल। जैसे कि आप देख रहे हो, आज मैं इस वीडियो में आपको मलेरिया फीवर से रिलेटेड कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं प्रीवियस कई वीडियो से मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइब फ्रेंड्स लोग मुझे कमेंट करते थे कि सर आप मुझे जैसे मलेरिया फीवर रहता है या मेरे घर में बच्चों को या मेरी वाइफ को या मेरी किसी को भी घर में बूढ़े बुजुर्ग किसी को भी फीवर लगा ही रहता है, जो कहते हैं हिंदी में जिसको हम कह सकते हैं कि जो ज्वर है, और आपका जो ज्वर हड्डियों का ज्वर होता है जिसको बोलते हैं कि बुखार जो है वो हड्डियों को पकड़े हुआ है, और काफी समय से मलेरिया का फीवर है सिम्टम बोल सकते हो, या काफी समय से जो बुखार है वो आपको अंदर अंदर बिल्कुल तपा के, यानी कि आपको बिल्कुल जो आपकी बॉडी वो गला के रख रहा है, आप जिसकी वजह से कुछ खा पी नहीं पा रहे हो, आप एक्टिव नहीं हो पा रहे हो, आप कुछ वर्क अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो बुखार जो है वो अंदर आपके बिल्कुल हड्डियों को जकड़ के रखा हुआ है, आपको कुछ करने ही नहीं दे रहा है। तो इस पे बेसिकली कई लोग बहुत प्रॉब्लम में थे, उन्होंने कमेंट्स भी मुझे किया कि सर मैं क्या करूं क्या ना करूं, जब तक ये जो अंग्रेजी दवा होती है मैं खाता हूँ, एंटीबायोटिक्स लेता हूँ, तब तक आराम रहता है, पर कुछ अच्छा असर नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसा आप बताइए जैसे कि आप हमेशा अपनी वीडियो में बेस्ट बताते हो जिससे मुझे काफी आराम मिले। तो इस वीडियो में आपको उस चीज को ही आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, जो ये फेवनिल टेबलेट है ये बेसिकली मलेरिया फीवर के लिए ही है। जिसको भी ऐसा सिंड्रोम लगता है कि आपको जो ज्वर है यानी कि जो आपका बुखार है काफी समय से आपकी जो हड्डियों को गला के रख रहा है, आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, आप बिल्कुल थकान सा फील करते हो बुखार की वजह से, और हमेशा आपका जो बॉडी है टेम्परेचर वो जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा रहता है, और गर्म ही हमेशा रहता है कि आप जब अपनी बॉडी छूते हो, चाहे वो ठंड हो चाहे वो गर्म हो, बरसात कैसा भी मौसम हो, कि आपका बॉडी का टेम्परेचर हमें हमेशा गर्म ही रहता है। जब आप बॉडी को छुओगे तो हमेशा गर्म ही रहेगा। तो वो बुखार का ही सिम्टम होता है कि आपको अंदरूनी बुखार जिसको बोला जाता है, अंदरूनी बुखार जिसको होता है ना, अंदर से खुद ही चिड़चिड़ा सा लगता है, चिड़चिड़ा सा मन हो जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, हमेशा बिल्कुल माइंड जो हमारा है वो गर्म रहेगा, बिल्कुल गुस्से से हम भरे रहेंगे, बिल्कुल चिड़चिड़ापन सा लगता रहेगा, कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। ऐसे के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा फेवनिल टैबलेट। ये एक आयुर्वेदिक टैबलेट है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। जो अभी आप अंग्रेजी या एंटीबायोटिक्स लेते हो उसको आप ज्यादा दिन तक नहीं ले सकते हो, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बहुत ही हार्ड होती है और नुकसान भी करती है अगर आप ज्यादा टाइम तक लेते हो, क्योंकि उसका एक टाइम और डोज होता है कि आपको इतने दिन ही लेनी है, 5 डेज 3 डेज 7 डेज अलग अलग एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। पर ये आप अब जिसको भी मलेरिया है, टाइफॉइड है, कोई भी टाइप का अंदरूनी ज्वर है, अंदरूनी बुखार है, आप परेशान हो इससे, जिसको भी बच्चे हो बड़े हो फीमेल हो किसी को भी ऐसा हो बुजुर्ग हो किसी को भी, तो आप इसको ले सकते हो। प्योर आयुर्वेदिक दवा है, इसको जो बनाती है वो एम्बिक आयुर्वेद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको बनाती है। फेवनिल टैबलेट को 100% आयुर्वेदिक यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आप पढ़ सकते हो देख सकते हो, जीएमपी सर्टिफाइड है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नुकसान नहीं। मैं आपको बता दूं ये किस किस चीजों में यूज होता है, देख लो यहाँ लिखा हुआ इंडिकेशन, यूजफुल इन मलेरिया फीवर, हाई फीवर, कोल्ड फीवर, जिसको भी जाड़ा जुड़ी लग के बुखार आता है, या हमेशा बुखार आपकी बॉडी गर्म ही रहती है, बहुत ज्यादा फीवर रहता है और आपको हमेशा फीवर ऐसा लगा ही रहता है, और मलेरिया फीवर का मतलब ही हो गया कि आपको जाड़ा जुड़ी लग के बुखार आना, और काफी यानी कि आप जब सुबह जो आपकी बॉडी रहेगी उस नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, रात में आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, काफी हॉट यानी कि आपकी बॉडी जो गर्म हो जाएगी, और बुखार से आपको जाड़ा जुड़ी अंदरूनी लगने लगेगा, बिल्कुल कांपने लगोगे आप, वैसे फीवर को ही मलेरिया और फीवर कहा जाता है, कोल्ड फीवर, हाई फीवर। तो उसके लिए बेस्ट है ये आपकी फेमिनिन टैबलेट। इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, प्योर आयुर्वेदिक चीजें जो मिली हुई है आपको पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पे लगा भी दूंगा आप जिसे देख सकते हो। जो है ईच टैबलेट कंटेन्स गोदंती भस्म 40 mg, तुलसी मूल 40 mg, गिलोय सत्व 100 mg, इलायची 20 mg, सिंकोना 50 mg, ये सब प्योर आयुर्वेदिक चीजें हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, सब बिल्कुल कॉमन चीज है जो आप समझ सकते हो, जो आप जान सकते हो। तो मैं लगा दूंगा जैसे आप पढ़ लेना कितना है इसके अंदर मात्रा, वैसे मैंने बता दिया है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का ये पत्ता होता है, ये आपकी ब्लैक कलर की टैबलेट होती है, रेड आपकी ये पैकिंग में पत्ता होता है, जो ये पत्ते का बहुत ही सस्ती दवा आती है, 10 टैबलेट ये आपको 20 रुपए में मात्र, आयुर्वेदिक दवा हमेशा सस्ती रहती है और अच्छी यूजफुल रहती है, कोई भी बिना साइड इफेक्ट नुकसान की रहती है। 20 रुपए का ये आपको पत्ता 10 टैबलेट का मिलता है, जो ये आपका डिब्बा आता है इसको भी आप मंगा सकते हो, लॉन्ग एक्सपायरी होती है, 3 साल के अब इसकी एक्सपायरी होती है, तो इसको मंगा के रख सकते हो, जिसको भी बच्चों को फीवर हो आप उनको भी दे सकते हो, जैसे कि आपका बच्चा कोई भी 10 साल के नीचे, तो आप उसको आधी टैबलेट दे दोगे 3 बार, सुबह दोपहर और शाम को सोते समय, तो बच्चे का फीवर
अगले दिन गायब हो जाएगा, या उसका मलेरिया फीवर रहता है तो हमेशा के लिए, यानी कि जो दिक्कत है रहती है कोल्ड फीवर उसको पकड़ लेता है बच्चे को, तो सही हो जाएगा। कोई भी 10 साल के ऊपर इसको लेना चाहे तो एक एक टैबलेट 2 बार इसको सुबह शाम ले सकता है, और अगर बड़े में कोई भी जिसको ज्यादा दिक्कत रहती है तो एक एक टैबलेट 3 बार लेना है, सुबह और शाम को और रात को सोते समय 3 टैबलेट ये लेना। ध्यान से आप इस डोजेस को सुन लीजिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 10 साल के नीचे अगर आप बच्चों को देखो तो आधी आधी टैबलेट 2 बार सुबह शाम। किस टाइम देना है? नाश्ते के बाद देना है, खाना खाने से पहले लेना है। किससे लेना है? वार्म वाटर, गुनगुने पानी से आपको लेना है। ध्यान रहे इस चीज का, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई गुनगुने पानी से लोगे तो ज्यादा फायदा करेगी। वैसे नहीं मिलता तो आप नॉर्मल वाटर से भी ले सकते हो। 10 साल के ऊपर कोई भी लेना चाहता है तो एक एक टैबलेट सुबह शाम ले सकता है, अगर हल्का फीवर है, कुछ दिनों से फीवर है तो, या जिसको ज्यादा फीवर या ऐसी अंदरूनी बुखार टाइप की दिक्कत लगी रहती है, वो एक एक टैबलेट को 3 बार सुबह शाम और रात में सोते समय लेगा। ये डोज है नॉर्मल वाटर या गुनगुने पानी से। 20 रुपए का एक पत्ता टेस्ट टैबलेट का है, एक डिब्बे में आपको 6 पत्ते मिलते हैं, यानी कि 60 टैबलेट्स होती है। तो जैसा आप चाहो अपने हिसाब से आप इसको ले सकते हो, ये 120 रुपए का डिब्बा पूरा आता है, अपने हिसाब से आप ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूछोगे कहाँ मिलेगा है ना आपका सवाल रहेगा, आप अपने नियर बाई जो भी अच्छे मेडिसिन शॉप हैं आप वहां पे ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। नेटॉक्सिलैक आपके लिए ही बनाया गया है, उनसे कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू जितने पीसेस चाहिए आप डायरेक्टली जहां भी रहते हो ऑल ओवर इंडिया शिपिंग करा सकते हो, विद इन 4 to 5 डेज में वो आपको डिलीवर कर देंगे जहां भी आप रहते हो, कहीं भी किसी भी इंडिया के कोने में। तो ये फेमिनिल टैबलेट ध्यान से देख लेना आपको कि किस कंपनी की लेनी है, एम्बिक जीएमपी सर्टिफाइड, ये प्योर आयुर्वेदिक 100% आयुर्वेदिक टैबलेट है, कोई भी इसका नुकसान नहीं है। जो जो चीजें मैंने आपको पढ़ के बता दिया, कैसे लेना है, डोजेज मैंने बता दिया, फिर भी आपको कोई भी इस फेमिनल से रिलेटेड सवाल रहता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जैसे फ्री होगा विद इन 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई करूंगा। कोई भी सवाल किसी भी अन्य चीज से रिलेटेड है कि आपको कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, पहले कोई चीज आपने इस्तेमाल किया है, किसी भी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन कोई भी दवा के बारे में आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे कमेंट करो, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, या जो मेरी प्रीवियस नई वीडियोस पढ़ा कर आप उस पर कमेंट कीजिए, मैं जैसे फ्री होता हूँ नई वीडियो पर 2 से 3 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करता हूँ। चैनल पर नए हो तो जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाने से रोज शाम को आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते, तो आप देख सको अपने डॉक्टर शुभ्रातों के द्वारा अच्छी अच्छी वीडियोस। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कोई भी सवाल है पूछो, सजेशन ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो, मैं आपको उस पर वीडियो ला के दूंगा या आपको कमेंट करके सोल्यूशन बता दूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना जिसके फैमिली के बारे में सबको पता चले कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन कितनी फायदेमंद है मलेरिया टाइफाइड जैसे हाई कोल्ड फीवर के लिए, और जिनको भी प्रॉब्लम लगी रहती है ज्वर से रिलेटेड कि अंदरूनी बुखार लगा रहता है तो उसमें काफी फायदेमंद है, तो आप उनकी शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग टू डॉक्टर शुभ, तो बी अवेयर बी सेफ।